जय हिंद दोस्तों, मेरी YouTube चैनल BS नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए MP पुलिस की तरफ से नई वैकेंसी की नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। इस वैकेंसी की के बारे में आज मैं आप लोगों को डिटेल में एक एक पॉइंट बताऊँगा, तो मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, एक भी पॉइंट स्किप मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये MP पुलिस का ऑफिशियल साइट है जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में सूचना पुलिस मुख्यालय, गृह पुलिस, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षण सर्वज्ञ की भर्ती हेतु परीक्षा 2020 के संबंध सूचना, आप यहाँ देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट में यह नोटिफिकेशन आया है। इसका नोटिफिकेशन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। दोस्तों ये MP पुलिस की तरफ से आप देख सकते हैं, MP पुलिस की तरफ से यह नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसमें इस नोटिफिकेशन में साफ साफ बताया गया है कि आप देख सकते हैं विभाग से प्राप्त मांग पत्र अनुसार पदों की कुल संभावित संख्या 4000 है। दोस्तों मैंने जैसा कि बोला था कि यह वैकेंसी 4000 पदों पर आई है, आप देख सकते हैं दोस्तों यह वैकेंसी 4000 पदों पर निकल के आई है। दोस्तों ये नोटिफिकेशन कल के डेट में आया है, दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे 22/10/2020 की नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेबल रेडियो के लिए टोटल पद हैं 138 पद निकाला गया है, कांस्टेबल GD के लिए 3862 पद यहाँ पे निकाला गया है दोस्तों, और GD की बात करें तो टोटल पोस्ट 3477 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। और आप देख सकते हैं आयु की बात करें तो दोस्तों जनरल कैंडिडेट के लिए 18 से 33 साल रखा गया है, और 18 पुरुष आवेदन आरक्षित वर्ग के लिए 18 से 35 साल रखा गया है दोस्तों, और आप देख सकते हैं महिला एवं पुरुष आवेदन अनुसूचित जाति के लिए 18 से 38 साल की एज लिमिट रखी गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ MP पुलिस की तरफ से, जहाँ की एक एक यह वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों। 4000 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है MP पुलिस की तरफ से दोस्तों। यह वैकेंसी स्टार्ट दोस्तों यह वैकेंसी का फॉर्म स्टार्ट होगा, तो मैं आप लोगों को इस फॉर्म को फिल करके आप लोगों को बताऊंगा कि इस फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है। तो दोस्तों मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करिएगा। जय हिंद दोस्तों।